नमस्कार दोस्तों, मैं एसके कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके फार्मिंग न्यू फार्मूला में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि बटर मशरूम की खेती में हमारा फर्स्ट फ्लस यानी मशरूम पहली बार कैसा आता है और इतने टाइम हमको कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे हमको मशरूम निकालना चाहिए और उसके बाद में कैसे हमको इसमें पानी का स्प्रे करना चाहिए और किस तरीके से हमको इसमें फ्रेश एयर देनी चाहिए, कितने घंटे देने चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी मशरूम का फर्स्ट फ्लस यानी पहली बार मशरूम कैसे आता है दिखाने वाला हूं, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूं। बहुत से लोगों के में डाउट रहता है कि हमारा फर्स्ट फ्लस आया, फर्स्ट बार मशरूम आया, कैसे हम पानी दें, कैसे मशरूम निकालें, किस तरीके से कैसे हम करें। बहुत से उनके माइंड में क्वेश्चन रहते हैं, तो आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल आज हल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं एसके फार्मिंग न्यू। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारी दिखाइएगा, उधर शुरू से दिखाइएगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो आपको दिख रहा है ये हमारा फर्स्ट फ्लस है, जो कि मैं आपको बताऊँ ये आज चौथा दिन है हमारा मशरूम निकलते हुए, क्योंकि जो शुरू में है वो हमारा कम निकलता है, उसके बाद में इसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है। कहीं अगर 5 निकला फिर आपका 8 निकलेगा, 10 निकलेगा, 15-20 ऐसे आपकी इसके जो टारगेट है बढ़ता रहता है और उसके बाद में ये फिर डाउन आता है। डाउन होने के बाद में फिर ये दूसरा फ्लस आता है। जो फर्स्ट फ्लस है हमारा दोस्तों, ये एक सप्ताह यानी 5 से 7 दिन तक अच्छी तरीके से चलता है। जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा फर्स्ट फ्लस है। देखिए, इसमें कुछ मशरूम निकाल लिए गए जो मॉर्निंग में हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इसमें मशरूम में जो है आपको पता है कि घुमा के निकाले जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से निकालना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जो कि हमारी फर्स्ट बार में मशरूम का प्रोडक्शन अच्छा निकले और हमारा इसमें लाभ हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मशरूम की खेती में घाटा खाते हैं। तो दोस्तों, ये रेक की लंबाई की बात करें, ये हमारी टोटल 48 फीट है, उधर से इधर तक है तो 48 फीट है, और चौड़ाई की बात करें 5 फीट, ये रेक की, रेक या बेड की 5 फीट है। और इस टाइप से आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, देखिए ऊपर देखिए किस तरीके से मशरूम आ रहे हैं, ये देखिए इधर, और कुछ मशरूमों की हार्वेस्टिंग हो गई है तो इतने टाइम आपको ऐसा दिख रहा है। ये देखिए बैग क्या शानदार इसमें है, क्योंकि क्लियरिटी इतनी नहीं आती होगी बट जो भी है आपको दिख रहा, तो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। जैसे इस तरीके से मशरूम आता है तो आपको पानी जो है ना, केसिंग पे आपका पानी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसमें पानी हमारा नमी इसमें सही है, तो उसी के हिसाब से इस पर पानी का स्प्रे करेंगे। जो कि बात करें ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इतने टाइम आपको 85 से 90-95 रहे अच्छी है, और क्योंकि हम लोग झोपड़ी में 80-85 रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है, बट इसमें जो ह्यूमिडिटी है 85 से 90 तो होना चाहिए। टेम्परेचर 18 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर 19 रहता कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादातर आप कम हमारा 16 से 18 के बीच में रखें, बहुत ही अच्छा रहता है। और जैसे ये दिखाइएगा, ये देखिए पूरा बैग इतने टाइम भर के अभी नहीं आया है, लेकिन बट आएगा आपको। मैंने बहुत हमारे एक साल पहले जो फार्मिंग हुई थी तो उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि आपके मशरूम ऊपर नहीं बनने चाहिए, जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे अच्छे से, तो ये ऊपर, मतलब ऊपर नहीं बनना चाहिए। अगर ऊपर बनती है तो प्रॉब्लम है कि वो जकड़न हार्ड हो जाएगी, तो वो आपके पिन्हें गलने लगेंगे, तो आपके नीचे से आने चाहिए। इसी तरीके से इसी को देख करके हम जो केसिंग वगैरह डालते हैं तो अपनी खुद की केसिंग तैयार करते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप से आप देख सकते हो ह्यूमिडिटी जो है दोस्तों, हम 85 से 90 रखेंगे, उसके बाद में पानी का स्प्रे 2 बार करेंगे हल्का, ठीक है, क्योंकि पानी जो है मशरूम के ऊपर ठहरा नहीं होना चाहिए, मशरूम के ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद में फ्रेश एयर की बात करें, इतने टाइम जो आपको फ्रूटिंग दिख रही है ना, ये मशरूम आ रहे हैं, तो हमको सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे फ्रेश एयर की ज़रूरत है। और उसमें बात करें, इसमें पानी स्प्रे 2 बार करें, फ्रेश एयर वो भी आप 2 बार दें। तो इस टाइप से मशरूम निकालने की पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ। ये मशरूम जो है ना, इधर दिखाइए, अच्छे से इधर आ जाइए, इधर इधर रहना, ये जो मशरूम है ना दोस्तों, देखिए इधर ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमा के निकाला जाता है। और ये फर्स्ट बार में गड्ढा हो गया ना, ये फर्स्ट बार में नहीं भरेंगे, ये हम ऐसे इधर उधर से कर देंगे, ये हमारा गड्ढा भर गया। उसके बाद में इसी तरीके से मशरूम निकालते, ये भी दिखाइए, ये जो है ना ऐसे इस तरीके से घुमा के निकालेंगे, जो छोटा पिन है बच जाए तो अच्छी बात है, और
साथ में निकाल सकते हैं, साथ में अगर वो हिल जाता है तो साथ में निकाल लें, ऐसे मशरूम निकालते इस तरीके से। तो दोस्तों बहुत से लोगों के माइंड में रहता है, सवाल रहता है कि हम पानी का स्प्रे एक बार ही करें। नहीं, एक बार नहीं, दो बार करें, दो बार फ्रेश एयर दें, इस तरीके से सावधानी बरतें। जूते चप्पल का ज़्यादा बाहर के जूते चप्पल फार्म में ना लाएं, जिससे आपकी साफ सफाई रहेगी तो इसमें गंदगी नहीं फैलेगी। और इसमें और आपको वीडियो बाई वीडियो इसकी इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं कि आपको इस टाइम ऐसे ऐसी पोजीशन में ऐसी दवाई डालनी चाहिए, ऐसे सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आपकी मशरूम की खेती लॉन्ग टाइम तक चले और आपका उत्पादन अच्छा मिले। फर्स्ट फ्लश कैसा, यानी पहली बार मशरूम कितना और कैसे आता है और कैसे हम सावधानियां बरतें, पूरी जानकारी हमने वीडियो में दी है। और इस तरीके से जानकारी आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों के पास शेयर करें, जिससे उन इसके बारे में जानकारी मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।